केंद्र सरकार दे वल्लों अज देश की जनता की सहूलत दे वास्ते 44 पुल बनाए गए हैं ते उन्हां नूं अज जनता नूं ही समर्पित किया गया है, जिन्हां दे विच्चों एक वड्डा 44 पुलों दे विच्चों सब तो वड्डा पुल जो है वह हलका डेरा बाबा नानक जो कि जिला गुरदासपुर च पैंदा है कसोवाल दे उपर बनाया गया है जो कि रावी दरिया दे उत्ते है। तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि यह जो पुल है 44 पुलों के सब तो लंबा पुल है, 484 मीटर की इस पुल की लंबाई है और 24 करोड़ कोई 85 लाख के करीब इस दे उपर पैसे लगाए गए हैं। जनता की सहूलत वास्ते ये पुल तैयार किया गया है तो जनता ही अज समर्पित किया गया है। इस पुल के नाल जिथे डेरा बाबा नानक दे रावी दरिया पेंदे जमीन के किसानों सहूलत मिलेगी, उत्थे नाल ही BSF के जवानों भी इस पुल की सहूलत मिलेगी क्योंकि आन जान के वास्ते दिक्कतों का सामना करना पैंदा सी जद ये पुल इत्थे नहीं सी। हुण कितना कितें इस पुल के नाल लोगों नूं जिथे सहूलत मिलेगी उत्थे ही 4000 एकड़ जमीन जो कि इस रावी दरिया तो पार किसानों की पैंदी है उसके मालक किसानों भी इस पुल की काफ़ी सहूलत मिलेगी। इस ब्रिज का सवाल है, आपको ऐतिहासिक रूप से पता है कि यहाँ पर दो बार 1965 और 1971 में लड़ाई हुई। ये एक इनक्लेव का इलाका है जो कि घिरा हुआ है। इस इनक्लेव में संपर्क बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसके लिए ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पंटून ब्रिज बनता था जो कि बारिश में निकाल दिया जाता था क्योंकि उसमें वजन लेने की क्षमता कम थी, इसीलिए इस ब्रिज का निर्माण हुआ। जहाँ तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाएँ आपका सवाल था, सबसे लंबा ब्रिज 484 मीटर जो आज 44 ब्रिज समर्पित किए गए हैं उनमें से हमारे किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत उपलब्धियाँ हैं। इसमें कई हज़ार एकड़ की ज़मीन 35 स्क्वायर किलोमीटर के इनक्लेव में उस उपजाऊ ज़मीन का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, फ़ायदा उठाएंगे जैसे कमिश्नर साहब ने भी बताया। साथ साथ में हमारे सैनिकों के लिए, हमारी सेना के लिए, उनके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, उनकी साजो सामग्री, उनका सामान के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक टाइम का सवाल आया, DG साहब ने बताया, आपने सुना कि इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये दरिया अपना रुख बदलती थी जिसकी वजह से हमारे को इस पे जो प्रोटेक्टिव वर्क्स थे उसके ऊपर निरंतर बनाने रहते थे, लेकिन उन चुनौतियों को हमने पूरा किया और कोविड महामारी के बावजूद हमारे कार्यकर्मी प्रोजेक्ट चेतक के अंतर्गत ये बनाया गया है जो कि सीमा सड़क संगठन का एक प्रोजेक्ट 39 टास्क फोर्स ने बनाया है और 141 ट्रेन मेंटेनेंस कंपनी ने बनाया है। तो ये बड़े फख्र की बात है कि कोविड की महामारी को भी नकारते हुए हमने इसे जुलाई में बहुत ही सत्कारयोग भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वालों वक् वक् स्टेट्स के 44 जिहड़े ब्रिज बनाए ने उन्हां दा अज उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया। उस संबंध में जिहड़ा अमृतसर के गुरदासपुर कसोवाल ब्रिज आ असीं उत्थे इस वेले मौजूद हाँ। ये जिहड़े ब्रिज जिथे आर्मी वास्ते भी बहुत महत्वपूर्ण ने उत्थे नाल दे नाल जिहड़े साडे सिविलियन ने उन्होंने भी आने जाने वास्ते जी बहुत सहूलत होएगी क्योंकि लंबे समय से उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल आती सी। जे असी इस ब्रिज की गल करिए इतने चाहे पापूलेशन इस दरिया तो पार 150 के करीब ही है पर उत्थे काफ़ी जमीन जी खेतीबाड़ी वाली आ जिथे जाने वास्ते किसानों बहुत जी मुश्किल का सामना करना पैंदा सी, स्पैशली जदों कोई साडा रेनी सीजन आउंदा है उदों ते बहुत ज़्यादा मुश्किल आउंदी सी। इस ब्रिज के नाल उन्होंने जिहड़ा बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वो अपनियां फसलां अपने जमीन की देखभाल कर सकते हैं तो उन्होंने जी आमदनी भी जरा चोखा वाधा होना जी। मांग तो बड़े चिर की हूँ पूरी हुई आन के फायदा हो फायदा जी हम बहुत ज़्यादा फायदा पहलों ही सीधे लंघ जाए पुल दूजे फट्टे पुल थे कभी टुट जाता है कभी जो बड़ा नुकसान होंगे साडा फसल नहीं साड़ी लंघ दी हूँ भी जो मर्जी आई है जाइए उदा अं एक बार चल जाने तो 15-15, 20 दिन उधर ही रहने उधर ही खाने खुने उधर रोटी पानी पका के हूँ अं रोज़ आ जाने रोज़ चल जाने सू बहुत वाइया बहुत ज्यादा बड़े बड़े दिन इधर भी साढ़े को जाया नहीं जाता रहा। हाँ जी अभी तो महीना महीना कहे वाले उधर भी रह रहे हैं कहीं इधरों भी जाया जाना। भाजी सरकार ने बहुत वधिया किया है, बहुत सोहना किया है साढ़े किसानों वास्ते। हाँ जी अजे होर भी मजदूर जो भी दिहाड़ी लाने तो बड़े अवैचार होंगे पहला जो पुल नहीं होंगे तो हूँ सरकार की बहुत मेहरबानी आ भी जिमीदार मजदूर ये पुल तैयार करके देता वा। परेशानी उठानी पैंती जो पुल नहीं सर बड़ी परेशानियाँ बहुत ही इन्होंने लोगों ने बहुत परेशानियाँ ही परेशानियाँ से
हाँ जी, तो सरकार ने चलो अगे भी सरकार वैसे कहदिया रही हूँ सरकार ने करके दिखाया वा बहुत वधिया उपराला किया जी। तो यह भी मतलब किसानों की मजदूर की मतलब ये कष्ट कटाया गया वा हूँ कितनी को जमीन पार पैंदी होएगी सर कोई 4,000 acres तो वादी जमीन होएगी। बलजीत सिंह बलजीत सिंह जी, ये जरा अभी पुल नवा बन के तैयार होया कदों की ये लोगों की मंग सी ते किन्ना को फायदा पहुँचूगा? सर मंग तो बहुत समय की पहला दी तो बड़ा वधिया था काम मान लो फायदा है उदा मान लो कि आप ढोलों ने पुल सर नक जाते तो कमैन लंघा बड़ी मुश्किल आती तो हूँ वधिया पक्का पुल बज गया तो ये बहुत तगड़ा फायदा वधिया होया तो बड़ा वधिया मान लो वधिया चीज़ बनी है बड़े चिर की मंग सी। पुल तो पहला की नुकसान उठाने पेंदे सी तुहानू रोज़ मारा जिंदगी दे विच आन जान? हाँ जी, ये जिहड़ी एक करी कमैन मान लो कि लंघ जाती पार उन्होंने मान लो उधर ही सारा सीजन मान लो उधर रहना पैंदा हुण मान लो रोज़ आईदा कोई बहुत वधिया फायदा बोलता मान लो। कैमरा परसन निशांत गोयल दे नाल भोपाल सिंह, लिविंग इंडिया न्यूज़, गुरदासपुर।